नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 का रिवीजन करेंगे। तो हमारा लेसन नंबर 9 कौन सा है बताओ? राइट, हमारा लेसन नंबर 9 है पशुओं का आहार। और उसमें क्या आता है, कौन कौन से पशु कौन कौन से आहार लेते हैं वो आता है। फिर लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10 क्या है, कौन कहाँ रहता है, उसमें प्राणियों के रहठाण के बारे में बताया है कि कौन कहाँ रहता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो रिवीजन वर्कशीट 5, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो उसका पहला क्वेश्चन कौन सा है बताओ? राइट, कौन सा है, बंदर क्या खाता है? तो बताओ बंदर क्या खाता है। राइट, बंदर केले खाता है, फल खाता है, बंदर केले फल ये सब खाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बंदर फल खाता है। बंदर क्या खाता है, उसका आंसर क्या आएगा, बंदर फल खाता है। फिर हाथी क्या खाता है बताओ, हाथी क्या खाता है। राइट, हाथी पत्ते खाता है, हाथी पत्ते खाता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, हाथी पत्ते खाता है। हाथी क्या खाता है, हाथी पत्ते खाता है। फिर कुत्ता क्या खाता है बताओ, कुत्ता क्या खाता है। राइट, कुत्ता पाव रोटी खाता है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, कुत्ता पाव रोटी खाता है। कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता पाव रोटी खाता है। फिर गाय क्या खाती है बताओ, गाय क्या खाती है। राइट, गाय घास खाती है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। फिर शेर कहाँ रहता है बताओ, शेर कहाँ रहता है, जंगल में। वेरी गुड, शेर जंगल में रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, शेर जंगल में रहता है। शेर कहाँ रहता है, शेर जंगल में रहता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, बंदर क्या खाता है, बंदर फल खाता है। हाथी का क्या खाता है, हाथी पत्ते खाता है। कुत्ता क्या खाता है, कुत्ता पाव रोटी खाता है। फिर गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। और फिर शेर कहाँ रहता है, शेर जंगल में रहता है। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 नेम। तो यहाँ पे शाकाहारी प्राणी और दूसरा मांसाहारी प्राणी। तो यहाँ पे आपको ये दोनों के शाकाहारी प्राणी के 3 नाम लिखने हैं और मांसाहारी प्राणी के कोई भी 3 नाम लिखने हैं। शाकाहारी प्राणी यानी कि जो पत्ते घास ये सब खाता है वो शाकाहारी प्राणी है। और फिर मांसाहारी प्राणी जो मांस खाता है वो मांसाहारी प्राणी है। तो ऐसे 3 प्राणियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इंग्लिश नेम। तो यहाँ पे जो नेम दिए हुए हैं ना, राइट हिंदी नेम, यहाँ पे क्या आएगा, राइट हिंदी नेम। तो यहाँ पे जो
पहला क्या है? डॉग। डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? राज। डॉग यानी के कुत्ता। तो यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता। फिर हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? राइट। हॉर्स यानी के घोड़ा। फिर एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? वेरी गुड। क्या कहते हैं? हाथी। एलिफेंट यानी के हाथी। फिर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? राइट। मगर। क्रोकोडाइल यानी के मगर। फिर पिजन। तो पिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? कबूतर। पिजन यानी के कबूतर। फिर मंकी। तो मंकी को क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? राइट। बंदर। मंकी यानी के बंदर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। राइट हिंदी नेम जैसे डॉग यानी के कुत्ता, हॉर्स यानी के घोड़ा, एलिफेंट यानी के हाथी, क्रोकोडाइल यानी के मगर, पिजन यानी के कबूतर, फिर मंकी यानी के बंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको खाली जगह पे आंसर लिखना है। तो पहली खाली जगह क्या है? खाली जगह दरबे में रहता है। तो दरबे में कौन रहता है? वेरी गुड, कबूतर। कबूतर दरबे में रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कबूतर। फिर खाली जगह जंगल में रहता है। तो आपकी वर्कशीट में कौन सा चित्र है? राइट, हाथी का चित्र है। और उसके सामने खाली जगह दी है। खाली जगह जंगल में रहता है। तो खाली जगह पे क्या आएगा? हाथी। हाथी जंगल में रहता है। फिर खाली जगह पानी में रहता है। तो पानी में कौन रहता है? राइट, मगर। यहाँ पे आएगा मगर। मगर पानी में रहता है। फिर खाली जगह पिंजरे में रहता है। पिंजरे में कौन रहता है? आपकी वर्कशीट में किसका चित्र दिया हुआ है? राइट, इसका चित्र है पैरट। पैरट यानी कि तोता। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे तोता। तोता पिंजरे में रहता है। तोता पिंजरे में रहता है। फिर खाली जगह बिल में रहता है। तो उसके सामने कौन सा चित्र दिया हुआ है? राइट, इसका चित्र है सांप। तो यहाँ पे लिखेंगे सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। फिर खाली जगह घोंसले में रहता है। तो घोंसले में कौन रहता है? पक्षी। पक्षी होते हैं वो घोंसले में रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे पक्षी। पक्षी घोंसले में रहता है। फिर खाली जगह घर में रहता है। तो घर में तो हम लोग रहते हैं। तो हम किस में आते हैं? हम लोग है आदमी। तो यहाँ पे लिखेंगे आदमी घर में रहता है। आदमी, यहाँ पे लिखेंगे आदमी। आदमी घर में रहता है। फिर खाली जगह पेड़ पर रहता है। तो पेड़ पर कौन रहता है? किसका चित्र दिया हुआ है वर्कशीट में? राइट, बंदर। बंदर का चित्र दिया हुआ है। और खाली जगह क्या है? खाली जगह पेड़ पर रहता है। तो खाली जगह पे क्या आंसर आएगा बताओ? राइट, क्या आएगा? बंदर। बंदर पेड़ पर रहता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कबूतर दरबे में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, मगर पानी में रहता है, तोता पिंजरे में रहता है, सांप बिल में रहता है, फिर पक्षी पक्षी घोंसले में रहता है, आदमी घर में रहता है, और फिर बंदर पेड़ पर रहता है। तो ये हुआ रिवीजन 4। यहाँ पे हमने लेसन नंबर 9 और 10 सीखा। ओके, तो इसके आंसर आप
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।